हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ वो ICMR या NIN की तरफ से निकाला गया है। दोस्तों, ये जो निकाला गया है रिसर्च सेंटर की तरफ से निकाला गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये वैकेंसी आई है। तो ये आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसका डिटेल है, क्या दिया गया है, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ इसको कहां से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, क्योंकि कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी तक अगर हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल की घंटी को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम लोग का जैसे वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये वीडियो अगर वीडियो में देख रहे हैं तो जस्ट वीडियो के नीचे में लेफ्ट साइड में देखिए हम लोग का चैनल का नाम होगा ज्ञान फॉर यू, और राइट साइड में वीडियो के राइट साइड में नीचे में ही हम लोग का सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाद जस्ट उसके राइट साइड में एक बटन होगा बेल घंटी का, उस पर दबाना ना भूलें। दोस्तों, बेल की घंटी को दबाए रहेंगे तो हम लोग जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। इसका PDF में पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। सीधे चलते हैं PDF पर और देख लेते हैं क्या दिया गया है PDF पे। दोस्तों, आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पे यहाँ पे जो दिया गया है देखिए ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का दिया गया है यहाँ पे। तो ये जो इसका ऑफिस है ये हैदराबाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट का है रिसर्च सेंटर का। इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे डेट दिया गया है 12/11/2018 दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखाई देता होगा कब है, 24 दिसंबर 2018 अप टू 5 बजे तक का दिया गया है। तो ज़्यादा ये सब तो आप लोगों को दिखाई देता होगा, हम लोग सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि इसका पोस्ट क्या क्या दिया गया है, इस पर एक बार फोकस करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसका पोस्ट दिया गया है। जैसे पहला जो दिया गया है देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दिया गया है, ये जो पहला वाला देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दिया गया है, जिसमें 20 पोस्ट टोटल दिया गया है। OBC के लिए जो दिया गया है 2 दिया गया है, बैकलॉग के लिए, और OBC के लिए 6 दिया गया है, SC के लिए 3 दिया गया है, जनरल के लिए 9 दिया गया है। इसकी जो सैलरी रेंज दी गई है आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा यहाँ पे 35,400 से लेके 112,400 तक दिया गया है, ये इसका सैलरी रेंज है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, देख लीजिए क्या दिया गया है इसमें। जो दिया गया देखिए 1 पोस्ट रिजर्व फॉर पर्संस विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले के लिए भी 1 पोस्ट इसमें रिजर्वेबल के बताया गया है। नीचे में जो देखिए पोस्ट कोड दिया गया है, डिसिप्लिन दिया गया है, लाइफ साइंस के लिए जो दिया गया है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो क्या दिया गया है, फर्स्ट क्लास 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री में क्या क्या होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब दिया गया है। दोस्तों, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी बात करना है, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। उसके बाद डिजरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, ये वाले भी भर सकते हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट दिया गया है 5 दिया गया है, SC के लिए 1 दिया गया, ST के लिए इसमें नहीं है, OBC के लिए 2 दिया है, जनरल के लिए 2 दिया गया है। और दूसरा वाला क्या दिया गया है, जो पोस्ट कोड दिया गया है इसमें दूसरा वाला देखिए TA02, इसमें सोशल साइंस के लिए जो दिया गया है इसमें फर्स्ट क्लास इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, सोशल साइंस होना, जूलॉजी का दिया गया है देखिए, सोशल साइंस का दिया गया है, इकोनॉमिक्स का दिया गया है, साइंस का दिया गया है, या तो फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास में 3 साल के लिए, और किस में होना चाहिए वो चीज़ भी दिया गया। और ये जो दिया गया है ये वाले जो क्वालिफाइड हैं, ये जो
इसका जिसका जिसका कोर्स कंप्लीट हुआ है ये सब, ये वाले भी भर सकते हैं। और ये पोस्ट देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट ये सब दिया गया है कि इसमें कितना कितना दिया गया है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे ये दो जो दिया गया है किसका है देख सकते हैं, टोटल पोस्ट दो दिया गया है। और ये एक जो दिया गया है एससी के लिए दिया गया है, एसटी के लिए जीरो है, ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए भी नहीं है। इसमें तीसरा वाला जो दिया गया है, देखिए तीसरा वाला में क्या दिया गया है, क्रिएटिव राइटर के लिए जो दिया गया है, क्रिएटिव राइटर इसके लिए जो दिया गया है, इसके लिए भी फर्स्ट क्लास 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए और या तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर ये सब में होना चाहिए बोल के देख सकते हैं। फ्लुएंसी इन हिंदी ट्रांसलेशन ये सब मांगा गया है इसमें। इसमें एक पोस्ट है, एक पोस्ट जनरल के लिए ही दिया गया है। चौथा नंबर कंप्यूटर साइंस के लिए जो दिया गया है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए बोल के बताया गया है, या तो फिर एमएससी एमटेक ये वाले भी भर सकते हैं जो कंप्यूटर का साइंस से किए हुए हैं। इसमें दिया गया है टोटल दो पोस्ट दिया गया है, स्टार देकर दिया गया है, मतलब इसका वैकेंसी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है बोल के दिया गया है। इसमें जो दिया गया है जनरल के लिए एक दिया गया है और एक जो दिया गया है वो किसके लिए है, ओबीसी के लिए दिया गया है। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का, इसमें जो कम्युनिकेशनिस्ट जो दिया गया है, इसमें भी बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, किस ब्रांच के लिए होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे देखिए, फ्लुएंसी इंग्लिश दिया गया है या तो फिर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए बोल के बताया गया है। टोटल पोस्ट इसमें दो दिया गया है, एससी के लिए एक दिया गया है और जनरल के लिए एक दिया गया है। और नीचे वाले जो क्या दिया गया है, नीचे आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा नीचे में TS6 वाला के लिए, TS6 जो जॉब कोड है उसमें ये जो है इसके लिए क्या है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ये वाला, ये फूड वाले के लिए जो दिया गया है, इसमें भी फर्स्ट क्लास 3 साल की बैचलर डिग्री होना चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए जो दिया गया है इसमें होना चाहिए आप लोगों का फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, या फिर MSc वाले भी इसमें भर सकते हैं। दो पोस्ट इसमें मांगा गया है, जनरल के लिए एक दिया गया है और एक OBC के लिए दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं, इसमें भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता होगा इसमें दिया गया है, या तो फिर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑफ सिविल वर्क फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, या बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन का होना चाहिए। आठवां नंबर इसमें जो दिया गया है, जो कोड इसमें दिया गया है TA8 वाला मैकेनिकल इंजीनियर के लिए दिया गया है, TA8 वाला जो दिया गया है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा में होना चाहिए 3 साल के, वो भी फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए बोल के बताया जा रहा है। और इसमें भी एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, देखिए एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस AC रेफ्रिजरेटर ये सब का दिया गया है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, दो पोस्ट जनरल और ओबीसी का इसमें भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्या दिया गया है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होना चाहिए आप लोगों का फर्स्ट क्लास डिप्लोमा के साथ होना चाहिए, और इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये वाला में जैसे मांगा गया है इसमें भी सेम मांगा गया है, इसमें भी दो पोस्ट दिया गया है, एक जनरल के एक ओबीसी के लिए दिया गया है। नीचे में फार्मेसी के लिए दिया गया है, आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा फार्मेसी के लिए ये जो दिया गया है, फार्मेसी के लिए फर्स्ट क्लास में फार्मासिस्ट होना चाहिए और इसमें एक ही पोस्ट दिया गया है, जनरल के लिए दिया गया है, जनरल के लिए दिया गया है। और टेक्नीशियन वन जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टेक्नीशियन वन का, इसका जो सैलरी रेंज होगा 19,900 से लेके 63,200 तक दिया गया है। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं 16 दिया गया है, जिसमें ओबीसी का 4 दिया गया है, एससी का 3 दिया गया है, एसटी का 1 दिया गया है और जनरल का 8 दिया गया है। इसमें भी डिजेबिलिटी कैंडिडेट के लिए एक सीट यहाँ पर रिजर्व है बोल के दिया गया है। और इसमें पहला वाला टेक वन जो है लेबोरेटरी के लिए 12 पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% होना चाहिए, इसका जो रिजल्ट होना चाहिए 55% वाले जो पास किए हैं 55% के साथ वही वाले 12 वाले साइंस कैंडिडेट भर सकते हैं, या तो फिर इसमें 3 साल की डिप्लोमा वाले मेडिकल लेबोरेटरी में जो किए हैं वो ये सब भी भर सकते हैं। इसमें स्टार 11 पोस्ट दिया गया है, यानी कि बढ़ सकता है 11 से ज़्यादा
जिसमें अभी फिलहाल जो है 11 है, तो उसमें SC के लिए 2 दिया गया है, 1 ST का 8 दिया गया, OBC का जनरल का 8 दिया गया है। टेक 2 में जो दिया गया है फोटोग्राफी का दिया गया है, इसमें 12 पास होना चाहिए साइंस के साथ और मार्क आपको 55 पास होना चाहिए। डिप्लोमा ITA वाले ये सब भी भर सकते हैं, या तो फिर 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए फोटोग्राफी में, ये दिया गया है। इसमें एक पोस्ट है सिर्फ जनरल के लिए दिया गया है। तीसरा नंबर टेक वाला जो दिया गया है, तीसरा नंबर वाला जो दिया गया है वो दिया गया है सिविल का दिया गया है। इसमें सिविल में होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा ये, या तो फिर 12 पास होना चाहिए साइंस के साथ, 55% पास होना चाहिए, या तो फिर डिप्लोमा ITI सिविल में पास हुए रहना चाहिए। और ये वाले भी भर सकते हैं, 3 साल की डिप्लोमा जो पास किए हैं सिविल इंजीनियरिंग वो लोग भर सकते हैं। ये या एक्सपीरियंस जिसमें कंस्ट्रक्शन में हुआ है वो लोग भी भर सकते हैं। एक पोस्ट दिया गया है जनरल के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रिकल वाले का भी सेम दिया गया है, सेम चीज़ साइंस वाले जो पास किए हैं वही लोग भर सकते हैं। 55% इसमें भी मांगा गया है, या तो फिर डिप्लोमा वाला इलेक्ट्रिकल जो किया है वो लोग भर सकते हैं। इसमें भी जनरल के लिए एक पोस्ट दिया गया है। मैकेनिकल के लिए जो दिया गया है, मैकेनिकल वाला का भी सेम ऐसे ही दिया गया है, आप लोगों को जैसे दिखता होगा। मैकेनिकल वाला भी साइंस होना चाहिए 12, या तो फिर डिप्लोमा में आप लोगों का होना चाहिए मैकेनिकल होना चाहिए। और एक्सपीरियंस वाले जो हैं, एक्सपीरियंस या नॉलेज ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस वाले भी इसमें भर सकते हैं। दो पोस्ट है, जो एक है जनरल के लिए दिया गया है और दूसरा क्या है एक बार देख लेते हैं। दूसरा हम लोग का SC का दिया गया है। और अगला जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग वाला जो दिया गया है, मल्टीटास्किंग आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ का दिया गया है ये वाला। इसकी सैलरी रेंज है 18,000 से 56,000 इसकी सैलरी रेंज दी गई है। इसमें सिर्फ 3 पोस्ट दिया गया है, SC का 1, जनरल का 2 दिया गया है। इसमें भी डिजेबिलिटी कैंडिडेट वाले के लिए एक पोस्ट इसमें भी दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें MTS जो कोड है उसके लिए जो दिया गया है ड्यूटी क्या है होगा ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ड्यूटी क्या होगा इसका ये वाला। क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं, मैट्रिक पास होना चाहिए इसके लिए 50% के साथ होना चाहिए। और एक पोस्ट दिया गया है जनरल के लिए दिया गया है, MTS 2 के लिए जो दिया गया है, इसमें भी मैट्रिक पास वाले भर सकते हैं 50% इसमें भी दिया गया है। इसमें एक पोस्ट दिया गया है वो दिया गया है SC के लिए दिया गया है। और अगला हम लोग देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। तीसरा नंबर में जो दिया गया है वो तीसरा नंबर में जो दिया गया है इसमें भी मैट्रिक पास होना चाहिए 50% के साथ, एक पोस्ट *1 दिया गया है, मतलब इसमें बढ़ भी सकता है, और वो जनरल के लिए दिया गया है। और नीचे कुछ नोट दिया गया है, देखिए एप्लीकेशन इनवाइटेड टू फिलिंग द, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हम लोग चलते हैं रिजर्वेशन में, देखिए रिजर्वेशन कुछ दिया गया है, किसके किसके लिए कितना कितना रिजर्वेशन होगा, एज के रिकॉर्डिंग कितने कितने होंगे वो यहाँ पे तीसरा नंबर में मेंशन किया गया है। आप लोग किस किस कैटेगरी में आते हैं अपना देख लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। चौथा नंबर में जो दिया गया है आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई देता होगा, इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है, देखिए 4 पोस्ट, ये पहला वाला जो था ये 4 पोस्ट, पोस्ट कोड टेक्निकल वाले के लिए था, और 4 पोस्ट MT मल्टीटास्किंग वाले के लिए था। मल्टीटास्किंग के लिए जो दिया गया 18 से 25 एज होना चाहिए, और दूसरा वाला जो पोस्ट दिया गया है टेक वाला के लिए वो 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पहला वाला जो दिया गया था TA वाला के लिए उसमें 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और नीचे में रेड कलर में जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखता होगा, रेड कलर में जो दिया गया है एज विल बी, यहाँ पे देखिए एज विल बी रिकॉर्ड ऑन ए लास्ट डेट ऑफ रिसीप ऑफ एप्लीकेशन, ये लास्ट डेट का जो एप्लीकेशन डेट रिसीप होगा 24/12/2018 उसके आधार से एज आपका माना जाएगा बोल के बताया गया है। और उसके नीचे क्या है देख लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ी इसका जो दिया गया है, देखिए एप्लीकेशन फ़ी इसका जो दिया गया है 300 रुपया दिया गया है। और नीचे में एक नंबर में क्या दिया गया है वो देख लीजिए, कैंडिडेट बिलोंग विथ ST SC एंड एक्स सर्विस मैन ओमेन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ्री,
ये इस कैटेगरी में जो जो आते हैं इस कैटेगरी में जो आते हैं वो लोगों का एग्जाम भी फ्री रहेगा। तो STSC एक सर्विसमैन ओमेन जो हैं उन लोगों के लिए फ्री रहेगा। OBC और जनरल के लिए 300 रुपया दिया गया है। इसका मोड ऑफ पेमेंट जो दिया गया है DD दिया गया है। DD के आधार से आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा बैंक के थ्रू। और DD ड्राफ्ट इज नॉट इंक्लोज विथ द एप्लीकेशन देन रिसीव विल बी सम यहाँ पे रिजेक्ट होगा बोल के दिया गया है। आप लोगों को इसके साथ में हार्ड कॉपी भी भेजना होगा DD का, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ये आप लोगों का ऑनलाइन डेट है, यहाँ पे हार्ड कॉपी का डेट लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप लोगों को वो चीज़ देना होगा, नहीं तो ये रिजेक्ट होगा बोल के बताया जा रहा है। यहाँ पे नीचे छठवां नंबर में जो दिया गया है, छठवां नंबर में सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। ये सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद होगा कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे सेंटर दिया गया है तेलंगाना स्टेट हैदराबाद के लिए, देख सकते हैं। और आप लोगों को डेट एग्जामिनेशन ये बुलावा आएगा आप लोगों का एडमिट कार्ड होल टिकट के साथ में बताया गया है। आठवां नंबर में जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन दिया गया है, देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिया है इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। और ये जब भी ऑनलाइन अप्लाई करिएगा तो आप लोग एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ दीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा तो बेटर होगा। अब मैं जैसे पहले ही बताया था कि मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताऊंगा कि अप्लाई कहाँ से करना है। ये सब का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार दिखा देता हूँ कि आप लोगों का वो पोर्टल कैसे दिखेगा। पोर्टल ये ऑनलाइन मैं जो वेबसाइट में लिंक दूंगा अप्लाई करने का, वहाँ उसमें क्लिक करिएगा, आप लोगों को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ भरना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, पोस्ट का कोड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डेट नाम जेंडर उन्डर सब दिया गया है, किस कैटेगरी में आते हैं सब कुछ डिटेल यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा है। इसको अच्छी तरह से फिल करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल भी दिया गया है, देख सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी आप लोग अगर किए हैं तो यहाँ पे देना पड़ेगा। लैंग्वेज के बारे में देना पड़ेगा, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सब यहाँ पे देखिए, रीड राइट स्पीक सब दिया गया है, पढ़ सकते हैं, इस सब का दिया गया है। हिस्ट्री यहाँ पे क्या दिया गया है, एम्प्लॉय हिस्ट्री एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जाएगा आप लोगों का, कैसे कैसे नेक्स्ट स्टेप जाने के बाद ही वो चीज़ पता चलेगा। तो दोस्तों आज जो मैं इन्फॉर्मेशन बताया जॉब के रिकॉर्डिंग, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल की घंटी को भी दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।